उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में 25 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया, इसमें इमाम साहब भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सड़क के ऊपर नमाज इन लोगों ने पढ़ लिया, जो वीडियो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर का बताया जा रहा है। मस्जिद के बाहर रोड के ऊपर नमाज पढ़ लिया इन लोगों ने, 5 मिनट के शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है वो अदा की मुसलमानों ने। और यहाँ पे इन लोगों के ऊपर, 25 लोगों के ऊपर बताया जा रहा है कि एफआईआर हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, जिसमें खुद मस्जिद के इमाम साहब भी शामिल थे। और उसके बाद ये मामला सामने आया। अब इसको लेकर लोगों ने क्या लिखा है, क्या बताने की कोशिश की है, कैसे इस्लामोफोबिया इस देश में चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये लोगों ने अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। पहला तरीका तो इसमें यह है कि लोग बता रहे हैं कि यही उत्तर प्रदेश की सरकार है, यही उत्तर प्रदेश की पुलिस है, यही उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है जो कांवड़ियों के ऊपर सड़कों पर फूल बरसा रही है, वो भी सड़कों के ऊपर अपना धार्मिक काम कर रहे हैं। और ये भी जो मुसलमान आपको दिख रहे हैं, ये भी अपना धार्मिक काम कर रहे थे सिर्फ 5 मिनट के लिए, और सड़कों पर कांवड़िए जो है वो कई दिनों से घूम रहे हैं, कई दिनों से सड़कों पे आपको कांवड़िए ही कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फूल बरसाया जा रहा है। पहला तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो 5 मिनट की नमाज यहाँ पे मुसलमानों ने पढ़ी तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है। एक तरफ फूल बरसा रही है, दूसरी तरफ मुसलमानों के ऊपर जो है वो एफआईआर हो जा रहा है। काम दोनों तरफ धार्मिक हो रहा है, एक तरफ कांवड़िए भी धार्मिक काम कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, दूसरी तरफ मुसलमानों ने भी जो अपना नमाज पढ़ा वो भी धार्मिक काम था सड़कों के ऊपर। तो क्या यहाँ पे कार्रवाई सिर्फ एक के ऊपर होनी चाहिए, या फिर अगर नहीं हो रही है कार्रवाई तो फिर किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए? ये अपनी तरीके से लोगों ने बताया है कि कैसे इस्लामोफोबिया देखने को मिल रहा है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने लिखा है, मुसलमानों पर केस दर्ज और कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। यूपी मुजफ्फरनगर में सड़क पर नमाज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस की मुस्तैदी देखिए। मस्जिद के इमाम सहित 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, हैशटैग इस्लामोफोबिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस खबर को शेयर किया है, जुर्नो मिरर ने भी इस खबर को छापा है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे किस तरीके से ये तस्वीर जब सामने आई तो उसके बाद ये खबर भी सामने आया कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, पुलिस का भी सामने बयान आया है। अब जरा बताइए कि आप इसे क्या कहेंगे? लोग तो इस्लामोफोबिया बता रहे हैं, लेकिन आप इसे क्या समझते हैं? इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।